हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में विद होमवर्क क्वेश्चन। ये हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने कल, तो इसमें क्या है, ये साइन सीरीज है और एंगल्स क्या है मेरे एपी में है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन ऑफ एन बीटा बाय टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। वेयर माय एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो दिख रहा है एक दो तीन, तो मेरा एन की वैल्यू कितनी है तीन, और बीटा विच इज कॉमन डिफरेंस एंगल का, तो टू पाई बाय सेवन माइनस पाई बाय सेवन विच इज पाई बाय सेवन, तो बीटा मेरा पाई बाय सेवन है। अब क्या करना है, बस हमें इन दो को इस फॉर्मूले में प्लग करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो साइन एन बीटा बाय टू, तो थ्री बीटा बाय टू कितना हो जाएगा, बीटा पाई बाय सेवन है तो बीटा बाय टू इज पाई बाय फोर्टीन, तो ये थ्री पाई बाय फोर्टीन हो गया अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू, तो इट इज अगेन पाई बाय फोर्टीन, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो पाई बाय सेवन प्लस थ्री पाई बाय सेवन इज फोर पाई बाय सेवन, उसको टू से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा टू पाई बाय सेवन, देख लो एक बार, चेक इट आउट, ये आ गया। लेकिन अभी हमें इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखो जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो एक वन ऑफ द ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, बट उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है क्वेश्चन को, तो वो इस टाइप का कुछ दे सकता है जैसे इधर दिया है। तो अब इस फॉर्मूले का काम तो खत्म हो गया, अब हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे, देखते क्या है, तो ये साइन पाई बाय 14 है, इसके डिनोमिनेटर में दिख रहा है, अगर मैं इसको साइन अपॉन कॉस लिखूं तो उसके डिनोमिनेटर में भी कॉस पाई बाय 14 आएगा, सॉरी साइन पाई बाय 14, तो ये वाला टर्म तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में कॉस पाई बाय 14 टाइप की चीज जनरेट होनी चाहिए। तो कैसे करें, अब देखो, देखना क्या किया, इसको इसको 2 पाई बाय 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 पाई बाय 14, वन एंड द सेम थिंग, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब देखो एक डिनोमिनेटर में 2 भी दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया बाय लुकिंग इनटू द प्रूफ, जो आरएचएस को देख के, मैंने आरएचएस को देख के 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब 2 sin a sin b का फार्मूला लगाया ऊपर, तो 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, cos a minus b minus cos, sorry, cos a plus b minus cos a minus b, दोबारा गलत बोल दिया मैंने, एक बार दोबारा इधर लिखता हूं, 2 sin a sin b क्या होता है, cos a minus b minus cos a plus b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कैसे आता है, इन दोनों को तुम एक्सपेंड करोगे, इसको लिखोगे cos a cos b plus sin a sin b, फिर माइनस ऑफ cos a cos b minus sin a sin b, तो cos a cos b वाला टर्म कैंसिल होगा, sin a sin b वाला बचेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो cos of a minus b, चलो लिखते हैं, तो cos of a माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाऊं चाहे इसमें से इसको घटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, cos है, cos of minus theta is cos theta, तो 4 pi by 14 minus 3 pi by 14, pi by 14 ये हो गया cos of a माइनस बी minus cos of a plus b, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, देखो ध्यान से, 4 pi plus 3 pi 7 pi by 14 which is pi by 2, तो pi by 2, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है हमारा, 2 sin pi by 14। अब देखो cos pi by 2 0 होता है, तो हमारा क्या बना, 1 by 2 cos upon sin cot pi by 14। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तुम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं था मेन। देखो ये फॉर्मूला तो मोस्टली सबने लगा लिया होगा, काफी हमने प्रैक्टिस करी, इधर हो सकता है कोई बच्चा अटका हो, बट इस फॉर्मूले में तो नहीं अटकना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो अब हम आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटीज फॉर अ ट्राइंगल, ठीक है, आइडेंटिटीज फॉर अ ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये जो अभी पढ़ाने वाला हूं, ये इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि 2-3 महीने बाद पढ़ेंगे, एसओटी जिसको बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, बट इसमें भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, सो मैंने इधर ही कवर कर रहा हूं। तो लिख लो इधर, कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज, और क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, वी आर लर्निंग फॉर ट्राइंगल, कंडीशनल आइडेंटिटी फॉर ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल मैंने माना एबीसी ट्राइंगल, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना, कंसीडरिंग ट्राइंगल एबीसी, देयरफॉर सम ऑफ दीज एंगल विल बी 180 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, पहला आइडेंटिटी, देखो टोटल हमें 8 पढ़ने हैं, ठीक है ना, और हम सबका डेरिवेशन करने वाले हैं, ईच एंड एवरी वन का, तो क्या पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं, एक बार लिस्ट कर लेता हूं सारी, ठीक है ना, तुम एक बार नहीं तो एक काम करें, एक एक करके करते हैं,
आखिरी में आटो के आटो एक साथ लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है। इसको शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखूंगा, दिस इज समेशन ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, सिग्मा साइन 2a इज इक्वल टू दिस इज 4 और ये प्रोडक्ट लिखा है तो आई विल यूज यर पाई पाई साइन a। तो इन शॉर्ट हम ऐसे बोलेंगे सिग्मा साइन 2a इज 4 पाई साइन a, ठीक है। बाकी सिग्मा और पाई के बारे में डिटेल में आप अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, तुम लोग पॉज करके वीडियो पॉज करके एक बार स्टार्ट करो इसको, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ मैं एक दो चीजें बता रहा हूं फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। अगर एबीसी एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के तो कुछ पहले जो फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले हैं आगे अंदर चल के, ठीक है ना, वो पहले मैं कुछ बता देता हूं। तो फर्स्ट पहले तो देखो ये तो है ही हमारा कि हमें एंगल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं मतलब, तो आई एम सिंपली राइटिंग ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 180 डिग्री, ठीक है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, अब देखो इन फॉर्मूले इसमें ना जब तुम ड्राइव करोगे तो क्या जनरेट होगा, बी प्लस सी टाइप की चीज जनरेट होगी, ए प्लस सी, सी प्लस ए, दो एंगल्स का। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने ए प्लस बी लिख रहा हूं मैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, ठीक है, क्लियर है यहां तक, एक्सक्यूज मी। तो अब मैंने इन दोनों तरफ अगर साइन लेता हूं तो क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी विच इज साइन सी, साइन सी, ठीक है। अब जैसे ए प्लस बी को एक तरफ रखा, सी को उधर लेके गया, सिमिलरली मैं ए और सी को इस तरफ रखता हूं, बी को उधर लेके जा सकता हूं, तो ऑन द सेम लाइन व्हाट वी विल गेट, साइन ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी, और लास्टली एक बार ए को उस साइड लेके जा रहा हूं इस साइड, तो उधर क्या मिलेगा, साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। तो ये चीज हम याद रखेंगे ये तीनों, ठीक है, ये ड्यूरिंग डेरिवेशन याद यूज होगा इसका। सिमिलरली अब कॉस के लिए करते हैं, तो कॉस में क्या होगा देखना, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस ऑफ, जैसे हम पहले वाले में कॉस लिया, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, इधर देखो ध्यान से देखो, जब तुम इधर कॉस लोगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस सी, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सो हियर इट विल बी माइनस कॉस सी, माइनस आएगा। अब सिमिलरली मैं बाकी भी लिख सकता हूं एक्जैक्टली सिमेट्री से, क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया, फिर हो गया ए प्लस सी, और एक बचा हमारा कॉस ऑफ बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी, जो बचा हुआ एंगल है उसका कॉस, माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये चीज भी हमारी बहुत यूज होने वाली है, और यूज भी कैसे होगी, उल्टा भी यूज होगी, जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि साइन ऑफ ए प्लस बी है तो साइन सी लिखेंगे, उल्टा भी लिखना पड़ेगा, साइन सी को हमें साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रूफ, नॉट ओनली इन द प्रूफ, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं क्लास में, आज की क्लास में, जिसमें हमें उल्टा भी लिखना पड़ेगा, साइन सी को हमें साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इंटरचेंजेबल है, मतलब ये इक्वल्स टू ये, इसको ऐसे लिखना है प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। ये तो हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, एबीसी एंगल के करस्पॉन्डिंग। तो पहले इतना पार्ट कॉपी करो तुम लोग, ठीक है। अब हम ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू की और बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कैसे याद रखेंगे, अगर साइन है तो साइन का देखो, अगर ए और ए बी सी एंगल्स हैं, ठीक है ना, अगर दो का एडिशन लिखा है तो वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस में क्या होगा, कॉस का कॉस तो रहेगा बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे याद रखो, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं क्या कि अब हम बाय टू का कर लेते हैं, बाय टू का, तो देखो बाय टू का से मेरा मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अब मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, पहले मैं इधर लिख लेता हूं साइन ऑफ ए बाय टू प्लस बी बाय टू काइंड ऑफ, फिर सिमिलरली साइन ऑफ ए बाय टू प्लस सी बाय टू, एंड लास्टली साइन ऑफ बी बाय टू प्लस सी बाय टू। अब इनको मुझे लिखना है, इनको मुझे लिखना है, तो पहले मैं नीचे का पार्ट रफ कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग इसको कॉपी कर लेना, अभी हम प्रूफ पे आ रहे हैं इसके, डोंट वरी, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी प्रूफ की, पहले मैं वो बता रहा हूं जो यूज होगी, ठीक है ना, ड्यूरिंग डेरिवेशन। अब देखो इधर मैंने क्या यूज किया था, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, पाई माइनस सी था ना ये। अब इधर हाफ ऑफ एंगल्स हैं तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मेरे को ये तो पता ही है कि ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है, दोनों साइड टू से डिवाइड कर दिया, तो ये टू हो गया, ये टू हो गया, ये टू हो गया, ये टू हो गया। अब जैसे इधर सी को लेके गए थे, इधर सी बाय टू को इधर लेके जाते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ए बाय टू प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस सी बाय टू। अब दोनों साइड साइन लिया, पहले साइन की बात कर रहे हैं फिर कोसाइन की बात कर लेंगे, तो मैंने कहा साइन ऑफ
ए बाय टू प्लस बी बाय टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है, साइन का किसमें कन्वर्ट हो जाता है अगर पाई बाय टू होता है तो कॉस में, तो ये हो गया कॉस ऑफ सी बाय टू, तो ये हो गया हमारा कॉस ऑफ सी बाय टू। अब सिमेट्री समझ में आ गया होगा कि अगर हाफ एंगल्स है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा और फिर जो बचा हुआ एंगल है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने इंस्टेड ऑफ सी को अगर मान लो मैं बी को उधर लेके जाता तो क्या हो जाता, बी को उधर लेके जाता तो ये कितना हो जाता कॉस ऑफ बी बाय टू एंड लास्टली दिस इज कॉस ऑफ ए बाय टू, तो ये भी हमारा यूज होने वाला है अभी, ठीक है। और इंटर कन्वर्टेबल सी बाय टू लिखा है तो आई शुड बी एबल टू राइट दिस, ये लिखा है तो आई शुड बी एबल टू राइट ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हो गया साइन का। अब लास्टली कॉस पे हो रहे जाते हैं, तो कॉस ऑफ ए बाय टू प्लस बी बाय टू। अगेन देखो अगर मान लो मैं इस इक्वेशन में कॉस लेता तो क्या होता, कॉस ऑफ ए बाय टू प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ऑफ सी बाय टू आ जाता साइन ऑफ सी बाय टू। तो क्या हो रहा है बेसिकली जब हाफ एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, जब ए हाफ हाफ वाले की, तो क्या हो रहा है साइन का कॉस का साइन हो रहा है। इधर क्या था पाई, जब फुल एंगल की बात कर रहे थे एबीसी की तो साइन का साइन कॉस का कॉस हो रहा था, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा कि हाफ एंगल में तो कहीं नेगेटिव वेगेटिव टाइप की चीज नहीं आई, और जो फुल एंगल्स हैं उनमें क्या हुआ, साइन वाले में तो कुछ नेगेटिव नहीं आया, कोसाइन वाले में नेगेटिव नेगेटिव आया। दिस इज द वे यू शुड मेमोराइज दिस, ठीक है ना, फॉर फास्ट कैलकुलेशन। और ये और बचे हुए लिख लेते हैं कॉस ऑफ ए बाय टू प्लस सी बाय टू, अगेन कॉस का किसमें हो जाएगा हाफ एंगल से तो साइन में और बचा हुआ एंगल बी बाय टू। लास्टली कॉस ऑफ बी बाय टू प्लस सी बाय टू, हाफ एंगल से तो कॉस का किसमें होगा साइन में और बचा हुआ एंगल दैट इज ए बाय टू। तो ये तुम पूरा टेस्ट पे होना चाहिए तुम्हारे, तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह, बारह चीजें हैं, ठीक है ना। अभी आइडेंटिटीज हमने स्टार्ट नहीं किया है, आइडेंटिटीज में जो चीज यूज होने वाली है अभी हमारी वो चीज लिखी है अभी हमने, बहुत छोटी चीज लिखी है, ठीक है। याद कैसे रखोगे एक बार और बोलता हूं मैं, अगर फुल एंगल्स की बात हो रही है एबीसी की तो क्या कैसे याद रखोगे, साइन का साइन रहेगा कॉस का कॉस रहेगा, हाफ एंगल की बात हो रही है तो साइन का कॉस का साइन हो जाएगा पहली बात तो। दूसरा नोटिस करने वाली बात है कि जब फुल एंगल की बात हो रही है ना तब साइन का साइन तो है बट कॉस में क्या हो रहा है, कॉस का कॉस तो है लेकिन उधर माइनस आ रहा है, ऐसे याद रखोगे, ठीक ना। केवल कॉस वाले में फुल एंगल्स में माइनस आ रहा है बाकी सब जगह पॉजिटिव है, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो। अब हम एक्चुअली मूव करते हैं अपने प्रूफ पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, पहले दो बार दो मिनट पॉज करके मन में दो तीन बार बोल लो इसको पूरा, जो भी मैंने 12 लिखे जो भी हमने अभी 12 फॉर्मूले लिखे इन सबको एक बार माइंड में पॉज करके वीडियो जस्ट रीड इट आउट, ठीक है ना। कहीं अटक रहे हो तो देखो, नहीं तो पहले एक बार माइंड में रीड करो, ठीक है, क्योंकि स्मूथ जाएगा तुम लोगों का भी प्रूफ, अगर ये सब दिमाग में बैठाओगे तो तुम्हारा प्रूफ जो है सारे स्मूथ जाने वाले हैं, क्लियर है। चलो तो अब मैंने लिखा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी, साइन टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी इज इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। और इधर हमारे कौन से फॉर्मुले यूज करा रहे हैं, एक तो जो मैं अभी लिखवाया 12, ठीक है ना, फॉर्मुले नहीं बोलूंगा सिंपल चीज है, और मेन फॉर्मुले हमारे कौन से यूज होने वाले हैं, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, वो मोस्टली यूज होने वाला है। और कहीं कहीं जगह वो डबल एंगल वाला फॉर्मुला भी यूज होगा, जैसे कॉस टू ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, बस ये चार फॉर्मुले मैक्सिमम यूज होने वाले हमारे उसमें पूरे डेरिवेशंस में, ठीक है ना। जितने भी हम ऑटो आइडेंटिटीज करने वाले हैं सब में मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज होगा, और अगर कुछ अलग होगा तो हम उधर स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। चलो तो अब मैंने क्या किया, क्या स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, तो एक ही ऑब्वियस थॉट है कि हम कोई भी दो टर्म पकड़ लें उनको ऐड कर देते, वेरी सिंपल। तो मैंने लेट्स इन दोनों को क्लब किया, कोई इनको भी कर सकते हो, तुम इन दोनों को चाहो इन दोनों से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इन दोनों को क्लब किया तो साइन सी प्लस साइन डी, देखो लिख रहा हूं मैं 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 2a प्लस 2b बाय 2, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 2a माइनस 2b बाई टू प्लस साइन 2c, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब a प्लस बी बाई टू है, 2a प्लस 2b बाई टू है, तो 2 हटा दूं मैं, 2 कैंसिल करके तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, आई एम राइटिंग इट हियर ओनली a प्लस बी, इसको हटा के a प्लस बी। सिमिलरली इधर भी 2 कैंसिल कर देता हूं, तुम लोग को अगले स्टेप में लिखना है, आई एम राइटिंग इट हियर ओनली a माइनस बी, ठीक है। चलो
अब क्या करें, हाउ टू स्टार्ट। तो एक बार देखो कि इधर मेरा है क्या, बेसिकली प्रोडक्ट दे रखा है साइन ए साइन बी साइन सी का, ठीक है। अब ये वाली चीज पे आओ जो मैंने अभी आज की क्लास में बताई स्टार्टिंग में, साइन ऑफ ए प्लस बी को अब क्या लिख सकते हैं हम, साइन सी लिख सकते हैं, फुल एंगल है तो साइन का साइन रहेगा और साइन है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन सी, तो ये हो गया टू साइन सी और ये हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है यहां तक? देखो एक प्रूफ अच्छे समझोगे ना अपने आप, आगे के दो प्रूफ अपने आप हो जाएंगे, तीन एटलीस्ट, ठीक है ना। चलो अब मैंने लिखा टू साइन सी लिखा है इधर, क्लियर है। अब मैं क्या करूं, उसका कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, वो डिपेंड करता है इधर क्या लिखा है। मेरा टू साइन सी लिखा है तो देखो अगर मैंने इधर ऐसा इसको ऐसे एक्सपेंड करूं, देखो इसके हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं, बट कौन सा यूज करूंगा जिसमें ये टू साइन सी आ रहा हो, सो दैट आई कैन टेक कॉमन टू साइन सी। तो देखना इधर से साइन सी और इधर से एक टू आ जाएगा हमारा, तो कुछ पार्ट आ जाएगा उधर का। तो कहने का मतलब मैंने इसको क्या लिखा, टू साइन सी कॉस सी। अब ये टू साइन सी मैं फॉर्मल ले लेता हूं, तो ये हो गया टू साइन सी, अंदर क्या बचा, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी। एक मिनट देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज देखो, टू साइन सी तो आ गया मेरा, तो ऐसा लिखा है टू साइन सी आ गया और मेरा बचा है टू साइन ए कॉस, साइन ए साइन बी बचा है, ठीक है ना, ये और लेके आना है मुझे, ठीक है। तो अब देखो ए और बी की बात चल रही है, तो इधर ए माइनस बी लिखा है, तो इधर अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो ये भी एंगल ए और बी में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, सो दैट सी को गायब ही कर देते हैं। अब मुझे पता है कॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने क्या बोला था, उल्टा भी यूज करना है, तो वो चीज इधर आ गई, उल्टे यूज करना। क्या बताया था मैंने, वैसे तो ये लिखा था कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी, क्लियर है। अब मैं उल्टा लिख रहा हूं, कॉस सी का हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, टू साइन सी, ये तो हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, और कॉस सी की जगह मैं क्या लिखूं इधर, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब अगले स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी में याद रखना क्या होता है, दोनों साइन होते हैं और प्लस, या तो भार माइनस लगा या फिर हम उधर सी माइनस डी की जगह क्या करते हैं, डी माइनस सी, तो वो करते हैं अपन। तो ये तो टू साइन सी है, अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, पहली बात तो दिस प्लस दिस करोगे टू ए आएगा, बाय टू करोगे तो ए आएगा, तो ए आ गया, फिर दोनों साइन के होते हैं, दूसरा भी साइन, इधर सी माइनस डी नहीं होता याद रखना, डी माइनस सी होता है, मैंने स्टार भी किया था कि दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग है, तो इधर क्या होता है डी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा टू बी और टू बी बाय टू इज बी, तो ये हो गया। तो देखो आ गया टू टू जा फोर साइन ए साइन बी साइन सी, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, हेंस प्रूफ। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे हम चलते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी तुम लोग करना है, ठीक है ना, एक बार पॉज करके और कोशिश करो आई जाए, ठीक है ना, थोड़ा टाइम दो मिनट नहीं, पांच मिनट लगे तो पांच मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम सेकेंड आइडेंटिटी मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, और पहले तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से करना, पहले मैं लिख तो देता हूं आइडेंटिटी क्या है मेरी। तो देखो अभी हमने लिखा था साइन टू ए का सिग्मा, अब हमारा है कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू सी, तो कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस ऑफ टू सी, दिस इज इक्वल टू, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसको भी मैं क्या करूंगा सिग्मा के फॉर्म में लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, दिस इज व्हाट सिग्मा कॉस टू ए, तो ये तो हो गया मेरा सिग्मा कॉस टू ए, और इधर क्या बना माइनस वन माइनस फोर, और ये प्रोडक्ट लिखा है तीन टर्म्स का, तो उसको मैं पाई के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं, पाई कॉस ए, सो दिस ऐसे रीड करेंगे, सिग्मा कॉस टू ए माइनस वन माइनस फोर पाई कॉस ए, क्लियर है। तो ये हमारा आइडेंटिटी नंबर टू हो गई, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, तो वीडियो पॉज करो और तुम लोग स्टार्ट करो इसको, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, तो जैसा उधर किया था हमने क्लब, तो डेफिनेटली आई विल क्लब दीज टू टर्म्स, कोई भी दो, मैंने पहले दो ले लिए, ठीक है ना, तो ये हो गया कॉस टू ए, पहले मैं चलो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाते हैं, इन दोनों को क्लब किया तो क्या आएगा, cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2,
तो 2 cos, अब बाय टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना c प्लस डी बाय टू होता है, तो 2a प्लस 2b बाय टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो इधर आ गया a प्लस बी, ठीक है। फिर cos c माइनस डी बाय टू, तो 2a माइनस 2b बाय टू इज a माइनस बी, a माइनस बी। अब ध्यान से सुनना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब सुनना। तो देखो अब मेरा, देखो a माइनस बी को तो मैं नहीं छेड़ सकता, हाँ इसको मैं चेंज कर सकता हूं, मतलब ये देखते से मेरे बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए, इट इज माइनस कॉस सी, याद है ना, दिस इज, याद ऐसे लिख लो पाई माइनस सी, लिख लो कॉस ऑफ पाई माइनस सीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये तो मेरा हो गया माइनस टू कॉस सी, और ये लिखा है कॉस ऑफ ए माइनस बी, और इधर लिखा है कॉस टू सी, ठीक है। अच्छा देखो, इससे पहले वाले प्रूफ में था साइन टू सी लिखा था, तो हमने उसको टू साइन सी कॉस सी लिख लिया था, फिर कॉमन आ गया था। अब मुझे डेफिनेटली हिंट लग रही है कि ये चीज मैं कॉमन लेने वाला हूं, I should take this common, ठीक है। अब ये cos c है, तो अब मैं cos 2c का कौन सा formula use करूं? This ऐसे तो मैं बनाना है, मतलब अपने आप का mind, ठीक है ना? कि अब मैं कौन सा, क्योंकि cos 2c के तो हमारे पास बहुत सारे formula है ना, but I want the cos 2c का वो formula जिसमें cos c आता हो। तो इस cos 2c का कौन सा formula है? 2 cos square c minus 1। और ये चमकते सिंह तुम्हें दिख जाएगा यार minus 1 तो आ गया, तो हाँ मतलब हम सही जा रहे हैं, क्लियर है? चलो तो भी हो गया माइनस टू कॉस सी कॉस ऑफ ए माइनस बी, और कॉस टू सी को प्लस टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन। अब डेफिनेटली क्या करूं, टू कॉस सी कॉमन ले लेते हैं हम, तो टू कॉस, चलो टू कॉस सी कॉमन लेते हैं, माइनस चलो बाद में ले लेंगे माइनस, पहले टू कॉस सी कॉमन ले लिया, तो इधर बचा माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस कॉस सी, ठीक है। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। अब अगेन, अब ऑब्वियसली बात है, अब तुम्हारा माइंडसेट बन गया होगा, डेफिनेटली a माइनस बी है, तो मैं चाहूंगा कि ये a प्लस बी हो जाए, सो दैट हम कॉस सी प्लस कॉस डी टाइप फॉर्मूला लगा पाए। तो कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, वही जो आज पढ़ाया उसके हिसाब से, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस बी, दिस कैन बी रिटर्न एज, चलो इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो ये टू कॉस सी इंटू माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, अब मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, और माइनस वन मेरा बाहर है ही, क्लियर है। अब क्या किया, अब देखो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, ये माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का टर्म है, तो आई एम टेकिंग माइनस कॉमन, और मैं इसको इधर माइनस लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट हियर माइनस, क्लियर है। चलो इसको रब करके आगे प्रोसीड करता है, तुम लोग पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है ना, जिसका भी नहीं आया था जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। तो देखो हाँ, अब देखना मैंने क्या बोला, अब क्या लगाया, ये इधर हमारा प्लस है, ठीक है ना, हियर इट इज प्लस, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस है, अब क्या लगाया, कॉस सी प्लस कॉस डी, सिंपल। तो मेरा माइनस टू कॉस सी बाहर लिखा है, अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस c प्लस डी बाय टू, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2a बाय टू इज a, तो 2 cos a, ठीक है ना। फिर cos c प्लस cos d में दोनों cos होते हैं, तो cos ऑफ दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा, माइनस टू बी बाय टू विच इज माइनस बी, और cos ऑफ माइनस बी क्या होगा, cos b, तो ये हो गया cos b, और इधर माइनस वन लिखा है, तो आ गया, देखो चेक करो, माइनस वन माइनस फोर पाई cos a cos b cos c, करेक्ट है ना, माइनस वन ये टू टू द फोर, तो माइनस फोर cos a cos b cos c, क्लियर है बच्चों, काफी इजी जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं स्टेप बोल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करो, यू विल फाइंड ये बहुत इजी टॉपिक जाएगा तुम लोगों को, तुम क्वेश्चंस भी देखोगे ना, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो यू विल सी कि हाँ सर सही बोल रहे थे, ठीक है। तो चलो फिर कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है, चलो। तो फिर अब मैं आता हूं थर्ड आइडेंटिटी पे, ठीक है, अब तुम्हारा इजी जाएगा, ठीक है ना, बाकी दो आइडेंटिटीज जो है वो अब तुम कर पाओगे विद द नॉलेज ऑफ दिस जो हमने अभी किया, ठीक है ना, ऐसा मेरा मानना है। चलो लिख लेते हैं थर्ड, और फिर उसका प्रूफ भी दूंगा, बट उससे पहले तुमको पॉज करके खुद से करना होगा। तो थर्ड आइडेंटिटी है क्या मेरी, अभी हम क्या कर रहे थे, 2a 2a ले रहे थे LHS में, अब उनके हाफ एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है ना, उनके हाफ एंगल्स की बात करेंगे। तो पहला आइडेंटिटी होगा हमारा, उधर साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी था एडिशन में, इधर साइन ए साइन बी साइन सी होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, यहां तक। उधर क्या आ रहा था हमारा 4 पाई, जब हमने साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी लिया था, तो उधर आ रहा था 4 पाई साइन ए, इधर क्या आ जाएगा 4 पाई
इधर देखो उधर भी क्या होता है, 2a का हाफ एंगल आया था RHS में, इधर भी हाफ एंगल आएगा, बट इधर साइन है तो इधर कॉस हो जाएगा। अभी देखो डोंट वरी, मैं मेमोराइज करने का भी तरीका बताऊंगा, आई विल टेल यू हाउ टू मेमोराइज ऑल्सो, ठीक है। कुछ पैटर्न्स वगैरह बना के जब एक साथ लिस्ट करूंगा ना ऑटो आइडेंटिटीज, तब हम मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। सो अभी याद करने का मत सोचो, अभी डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो तो डेफिनेटली फिर स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, तुम लोग करो पहले तुम लोग करो, ठीक है ना। फर्स्ट यू ट्राई, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला इन दोनों को ऐड किया, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू तुझे हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, कॉस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू तुझे होगा ए माइनस डी बाई टू, और इधर क्या लिखा है प्लस साइन सी। अभी इसको छेड़ते नहीं, अभी देखते हैं क्या लिखना है इसको, ठीक है। अब सुनना, अब अभी तक तो मैं फुल एंगल की बात कर रहा था, अब हम वाले सेकंड वाला पार्ट, सेकंड जो छह लिखे थे मैंने, क्या लिखा था एक बार इधर थोड़ा सा लिखते हैं। मैंने लिखा साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, बाई टू बाई टू था तो एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू। तो क्या होता है साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस का साइन में, ठीक है ना। और बचा हुआ एंगल तो डेफिनेटली साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई टू, क्योंकि हाफ एंगल है तो साइन का कॉस का साइन। तो ये हो गया टू, क्या बोला मैंने, कॉस c बाई टू, और ये हो गया मेरा cos a माइनस बी बाई टू। अब ऑब्वियसली बात है टू cos c बाई टू देखते से मेरे को क्या क्लिक करना चाहिए, इसको मैं क्या लिखू, टू साइन c बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, तो ये हो गया प्लस टू साइन c बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये वाला पार्ट कॉमन लिया, टू cos c बाई टू, टू cos c बाई टू, तो क्या बचेगा टू cos c बाई टू। देखो अब आ भी रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन में cos a बाई टू है तो आ रहा है उस टाइप की चीज, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा इधर cos ऑफ क्या बचा a माइनस बी बाई टू प्लस इधर मेरा बचा sin c बाई टू। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि cos c प्लस sin d, नहीं दोनों cos के होते हैं या दोनों sin के होते हैं, ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियस थॉट क्या आएगा, इस sin c बाई टू को मैं कैसे लिख लूं a प्लस बी बाई टू के टर्म्स में, तो अब मैं क्या लगा रहा हूं वही चीज उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा हूं। कौन सी चीज, देखो इधर मैंने लिखा cos of a प्लस बी बाई टू, ये हमें पता है क्या होता है, हाफ एंगल है cos का साइन कन्वर्ट हो जाता है, बचा हुआ एंगल c बाई टू, तो अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं उल्टी डायरेक्शन में, तो साइन c बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं cos of a प्लस बी बाई टू। तो इधर ही मैं चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लो, दिस इज cos of a प्लस बी बाई टू, दिस इज cos of a प्लस बी बाई टू, क्लियर है। अब ऑब्वियस ही बात है क्या लगाएंगे cos c प्लस cos d, तो ये तो लिखा है 2 cos c बाई टू। अच्छा cos c प्लस cos d में क्या होता है, दोनों cos के टर्म्स होते हैं, तो पहला cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई टू, तो इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो a आएगा, उसका डिवाइड बाई टू करोगे तो a बाई टू, a बाई टू cos, ये तो क्या c प्लस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस b, और माइनस बी का फिर डिवाइड बाई टू करेगा तो माइनस बी बाई टू, बट कॉस ऑफ माइनस बी बाई टू इज सेम एज कॉस बी बाई टू, तो ये हो गया कॉस बी बाई टू। अब देखो अब ऊपर देखो ये लिखा है फोर फोर, और पाई कॉस है मतलब कॉस है मतलब कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो फिर अब मैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे मूव करता हूं। अब नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है क्या होगी सिमेट्री, अगर मान लो मैं एक बार साइन एक बार कॉस ले रहा हूं फिर साइन लिया तो अब के बार क्या लूंगा कॉस लूंगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं लेफ्ट में और हाफ, पहले हमने टू ए वाले किए थे दो, अब जो सेकंड दो आइडेंटिटीज दैट इज थर्ड एंड फोर्थ वो हाफ हाफ है उनके एंगल्स, तो इधर क्या आएगा मेरा फोर्थ आइडेंटिटी पहले, तो फिर क्या लिखा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देख लो पैटर्न बताऊंगा कैसे याद रखना है बाद में, वन प्लस फोर पाई साइन ए बाई टू, वन प्लस फोर साइन फोर पाई साइन ए बाई टू, मतलब इसको शॉर्ट में लिख लिया मैंने, चलो एक्सपेंड कर लेते, फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ठीक है ना, ये हमारा इसके बराबर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, फिर आप वीडियो पॉज करो एज यूजल और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ अभी करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत स्मूथ जाएगा, देख लेना ट्रस्ट मी, अभी अगर प्रूफ अपने से करोगे तो क्वेश्चन में 100% नहीं अटकने वाले, ठीक है ना, बहुत स्मूथ जाएगा हमारा। तो
इन दोनों को क्लब करते हैं एज यूजुअल, कोई भी दो को करो, मैंने इन दोनों को कर रहा हूं। तो cos c plus cos d, तो क्या होता है 2 cos c plus d by 2, तो a plus b by 2 cos a minus b by 2 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। अभी cos c को ऐसे लिखे रहने दिया, because क्यों ऐसे लिखे रहने दो, because वो डिपेंड करता है यहां टर्म कौन सी है, उसके हिसाब से मैं cos c का करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना, because cos c के तो बहुत फॉर्मूले हैं, मतलब cos 2c, cos c से मेरा मतलब है cos 2c के, ठीक है ना। तो अब अगेन क्या करूं मैं, इसको तो मैं अगेन a माइनस b को तो नहीं छेड़ सकता, इसके लिए मैं कर सकता हूं ट्रीटमेंट, क्या करूंगा ट्रीटमेंट इसका, a प्लस b बाई 2 है ना, तो sin cos का क्या हो जाएगा sin, और बचा हुआ एंगल मतलब c बाई 2, तो दिस इज 2 sin c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। अब क्लिक करना चाहिए, अब इधर सिंस 2 sin c बाई 2 आ गया, मतलब 2 तो छोड़ो, sin c बाई 2 आ गया, अब cos c का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं जिसमें sin c आता हो, तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं cos 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c, या फिर हाफ ऑफ कर दो इसको, तो ये हो गया cos c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई 2, तो इसमें आ रहा sin c बाई 2, तो इधर सो दैट अपन कॉमन ले सकेंगे। और एक और चीज अच्छी बात यह है कि इधर 1 भी आ रहा है, तुम्हारा चमक गया 1 भी आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल करेक्ट पाथ पे जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो प्लस cos c को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो देखो 1 भी आ गया हमारा, जो चाहिए था 1 आ रहा है, मतलब ये रहा 1, और इसमें से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन भी आ रहा है, क्लियर है। तो मैंने लिखा 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा इधर cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा इधर, ये हो गया हमारा माइनस का, माइनस साइन सी बाई 2, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन लेने के बाद इधर 1 साइन सी बाई 2 बचा। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखूं साइन सी बाई 2 को, चमक गया होगा अब, तो ये a माइनस b बाई 2 है, तो साइन c बाई 2 को क्या करूं मैं, cos में कन्वर्ट कर देता हूं, तो साइन का किसमें हो जाएगा cos में, और c बाई 2 की जगह क्या आएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2, तो उसके अगले स्टेप में तुम लोगों का आंसर सामने आ जाएगा। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ये तो cos a माइनस b बाई 2 एज इट इज, ठीक है, माइनस साइन c बाई 2 को मैं क्या लिख रहा हूं cos के टर्म्स में, cos ऑफ a प्लस b बाई 2, क्लियर है यहां तक। चलो तो फिर मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ऊपर का पार्ट, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी करो। हाँ तो अब क्या करें, एक ही फॉर्मूला बचा cos c माइनस cos d, और याद है cos c माइनस cos d में क्या होता है, दोनों साइन आते हैं, तो एक साइन ऑलरेडी, दो साइन आ जाएंगे, तो इसी टाइप की कुछ चीज आ जाएगी। अच्छा एक मैंने वन इधर नहीं लिख पाया, भूल गया था, तो इधर वन लिख लेना, ठीक है, इधर वन भी था हमारा, इसके कारण आया था ना फॉर्मूले के कारण। तो अब देखो ये लिखा है 2 साइन c बाई 2, अब देखो cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है, एक तो सम बाई 2, तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा a बाई 2 हो जाएगा फिर। अब साइन का जो दूसरा टर्म होता है, मैंने क्या बताया इसमें हमेशा थोड़ा सतर्क रहना है cos c माइनस cos d में, जो साइन का जो सेकंड टर्म होता है उसमें d माइनस c लिखते हैं, मतलब दिस एंगल माइनस दिस, या फिर माइनस वहां लगा दो c माइनस d लिखो, अगर माइनस को तुम्हें अंदर लिखना है, अंदर लेके जाना है, तो इधर d माइनस c लिखोगे, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा d आएगा, उसका बाय 2 इज d बाय 2, हेंस प्रूफ देख लो, इधर एक्चुअली 1 फिर मिस हो गया, इधर 1 लिखा है, ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट, 1 प्लस 4 sin a बाय 2 sin b बाय 2 sin c बाय 2, तो ये हो गए हमारी चार आइडेंटिटीज पक्की, ठीक है। अब जो आइडेंटिटीज और पढ़ने वाला है, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ tan एंड cot, ठीक है, तो वो तो और ज्यादा आसान है, वो तो इनसे भी ज्यादा आसान है, ठीक है ना, उसमें भी जो टेन वाली है वो, उस पर तो जेई एडवांस में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो उस पर तो हम और स्ट्रेस देने वाले हैं, और उनका प्रूफ तो दो दो लाइन का है, उतनी मेहनत भी नहीं करनी हमें, ठीक है ना, बट रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। मैंने रब कर दिया है, बोलना भूल गया था पॉज करके, आई होप पॉज करके तुम रिमाइंड करके कॉपी कर लेना, ठीक है ना। चलो तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज फिफ्थ वन, और मैंने क्या बोला दैट विल बी ऑफ टेन एंड कॉट, मतलब जो भी चार बची है हमारी, शुरू की चार हो गई हमारी साइन कॉस वाली, अब बची हुई चार विल बी ऑफ टेन एंड कॉट, तो मैंने लिखा फिफ्थ आइडेंटिटी, तो दैट इज टेन ए, बहुत ही शानदार आइडेंटिटी है, प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है। अच्छा अब इसको प्रूफ करने के लिए
एक ही लाइन का प्रूफ है वैसे तो, एक या दो लाइन मान लो मैक्सिमम। पहले तुम वीडियो पॉज करके सोचो क्या है। ए, पहले इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में तो लिख लू एक बार। तो ये तो क्या लिखा है, सिग्मा टेन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है, तो इसको लिखू पाई टेन ए। यहां तक तो ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे बोलूंगा सिग्मा टेन ए इज पाई टेन ए। अब प्रूफ सोचो, तुम प्रूफ सोचो इसको वीडियो पॉज करके, और दो टाइम मैं बोल रहा हूं, 5-7 अगर नहीं आ रहा है तो दो थोड़ा टाइम, दैट इज नॉट, अगर नहीं भी आता है ना फाइनली तुम तो वो वेस्ट नहीं होगा टाइम, एक्चुअली दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। उससे काफी कुछ तुम प्रीवियस फॉर्म में रिकॉल कर पाओगे, ठीक है ना, और तुम्हारे दिमाग में और नए नए पैटर्न्स बनेंगे कि यार हाँ इधर अटक रहा हूं, तो वो अटक, अभी अटको तो अच्छी बात है ना, अभी तो तुम्हारे सीखोगे, एग्जाम में नहीं अटकना, तो प्रैक्टिस क्यों ना हम अभी करें, ठीक है ना। एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करना है और मोर प्रिसाइजली। तो तुम लोग करो, अब मैं इसके फॉर्मूले पे आ रहा हूं, प्रूफ पे आ रहा हूं, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, देखो ध्यान से, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू। तीन टर्म्स है तो इतना ही आएगा, वैसे तो इधर क्या होता है माइनस एस फाइव सॉरी प्लस एस फाइव इधर एस फोर, बट वो तो आएंगे नहीं बिकॉज तीन एंगल्स की बात चले। तो आई यूज दिस फॉर्मूला और एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, एक लाइन में, ओनली सिंगल लाइन। क्या करें, रख देते हैं वैल्यू। अब हमें पता है कि हम अभी जो भी हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, हमने शुरू में लिखवा दिया था कि इट इज ओनली फॉर द ट्राइंगल, और ट्राइंगल में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो ये क्या हो गया जीरो। क्या लिखा, दिस इज टेन ऑफ, अब प्रूफ देखो, टेन ऑफ पाई इज इक्वल टू एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू। तो टेन पाई कितना हो गया जीरो, तो इधर से क्या आया एस वन इज इक्वल टू एस थ्री। अब देखो एस वन यही तो होता है एस वन, दिस इज एस वन एंड दिस इज एस थ्री, ये हमारा एस वन है ये एस थ्री, हो गया प्रूफ। एस वन क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म टेकन वन एट ए टाइम, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। एस थ्री क्या होता है टेकन थ्री एट ए टाइम, तो थ्री एट ए टाइम तो एक ही टर्म आएगा दैट इज टेन ए टेन बी टेन सी, हेंस प्रूफ। कितना छोटा सा प्रूफ है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। और नॉट ओनली हियर, आगे जाके भी हम यूज करेंगे, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्री, पूरे कैलकुलस वगैरह में यूज होगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिग्मा टेन एज पाई टेन, एकदम टिप्स पे याद रखो इसको, रट जाओ, ठीक है। चलो तो अब ये हो गया हमारा एक, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं इसके, तो देखना नेक्स्ट वाला क्या है, अब हमारा कॉट वाला है। तो देखो इसको रब कर देता हूं मैं, तुम लोग कॉपी करो इसको। अब कॉट वाला, तो टेन की जगह बस कॉट कॉट करना है हमको, ठीक है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, है क्या हमारा, देखो कॉट ए कॉट बी कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल्स टू वन। कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो इसका आप तुम लोग करो प्रूफ, इसका प्रूफ ट्राई करो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो प्रीवियस वाला प्रूफ, अगर प्रीवियस वाला अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो एक लाइन का आंसर है, दो लाइन का मैक्सिमम मान लो, दो लाइन का प्रीवियस वाला। तो चलो मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया अभी कि जो प्रीवियस रिजल्ट आया ना सिग्मा टेन ए इज पाई टेन ए, उसका यूज करके तुम इसको प्रूफ कोशिश करो प्रूफ करने की, चुटकियों में आएगा। तो पहले मैं वो लिख देता हूं, ठीक है ना, और कौन सा वाला रिजल्ट बोलो मैं इससे प्रीवियस वाला, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी। मैंने बोला यूजिंग दिस रिजल्ट ट्राई टू प्रूव दिस, स्टार्ट करो पॉज करके और मैं अब बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो फाइनली आई एम प्रूफिंग इट नाउ, देखो अब कैसे स्टार्ट करें। मैंने इतने हिंट तो मैं दे दी कि इससे करना है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास क्लियर है। अब मुझे आर एच एस में वन चाहिए, तो इसको मैं वन कैसे बना सकता हूं, टेन ए टेन बी टेन सी को इधर लेके आ जाओ, या फिर ऐसे बोल लो, या फिर ऐसे बोल लो दोनों साइड मैंने टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड कर दिया। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इस टेन ए टेन बी टेन सी को इसके नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया टेन ए अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी। अब चमक गया होगा, बहुत लोगों को चमक गया होगा, दिख गया होगा, अगले अगले स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है टेन सी प्लस सिमिलरली टेन बी अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन सी अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी, दिस इज इक्वल टू वन। एक एक टेन तो कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर वाला, तो ये हो गया टेन ए खत्म, संपला, ये भी संपला हो गया और ये भी संपला हो गया, ठीक है ना, एंड हो गया, मतलब खत्म हो गया।
तो 1/10 भी 10 सी, तो 10 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो क्या लिखूंगा इसको, कॉट बी कॉट सी, कॉट बी कॉट सी। अच्छा इसका शॉर्ट नोटेशन नहीं लगा भी लिखते हैं हम, ठीक है। प्लस ये ऊपर जाके कॉट ए कॉट सी, कॉट ए कॉट सी, प्लस लास्टली ये टेन बी सॉरी टेन सॉरी कॉट ए कॉट बी, इन दोनों के कारण कॉट ए कॉट बी इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूफ, ऊपर वही तो लिखा है। अच्छा मैंने बोला इसका शॉर्ट नोटेशन और लिख लो, तो इसमें शॉर्ट नोटेशन कैसे लिखेंगे देखना, सिग्मा तीन टर्म्स है ना, तो क्या लिखो मैं इधर, कॉट ए कॉट बी इक्वल्स टू 1, दिस इज द शॉर्ट नोटेशन फॉर दिस आइडेंटिटी सिग्मा के टर्म्स में। सिग्मा कॉट ए कॉट बी मतलब क्या हुआ, इस टाइप के तीन टर्म्स का एडिशन, ए बी एंड ए बी सी तीन एंगल है ना, इसलिए तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल्स टू 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो तो अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे मूव करते हैं। दिस इज सिक्स्थ वन एक्चुअली, ठीक है, फिफ्थ लिखा मैंने चेंज नहीं किया था, ये हमारा सिक्स्थ वन हो गया, ठीक है ना। देखो क्या क्या किया अभी हमने, साइन टू बी वाला, साइन टू ए वाला किया था, फिर कॉस टू ए वाला, फिर साइन ए, फिर कॉस ए, चार वो पड़े साइन कॉस वाले, फिर एक टेन का एक कॉट का, अभी दो और बचे हाफ एंगल्स वाले टेन और कॉट के, ठीक है। तो फिर मैं वॉर करता हूं, तो पॉज इट, कॉपी द सॉल्यूशन। चलो अब आते हैं हम हाफ एंगल्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज इज बेस्ड ऑन टेन एंड कॉट एंड हाफ एंगल्स की बात होगी, हाफ एंगल्स की, ठीक है। तो मैंने बोला लिखते हैं सेवंथ आइडेंटिटी, ठीक है, सेवंथ आइडेंटिटी। तो मेरा ये है सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, वैसे इससे तो एकदम क्लिक कर ही जाएगा, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, चलो टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, ठीक है यहां तक। अच्छा अब प्रूफ पे आते हैं, तो पॉज करो एक बार, खुद सोचो कैसे, कीपिंग दिस इन माइंड, सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू ये क्या है बेसिकली, S1 वाली चीज से रिलेट करो, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो दिस इज बेसिकली S2 ना, ऐसे जाओ उल्टा जाओ, दिस इज S2 और S2 इज इक्वल टू 1 है। अब S2 इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब उस फॉर्मूले में तो नीचे 1 माइनस S2 आता था, इसका मतलब वो फॉर्मूला लगा लेते हैं वही वाला S1 माइनस S3 वाला। तो देखो मैंने लिखा टेन ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ठीक है। अच्छा अब a प्लस बी प्लस सी तो हमारा पाई होता है, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना है, दिस इज माई पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है मतलब अनडिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बट हम क्रूड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, इट इज पाई बाई टू, मतलब सॉरी इन्फिनिटी। ये कब आता है, ये कब होगा, मतलब मैंने बोला ये इन्फाइनाइट को कब जाएगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज जीरो, तो एस टू इज इक्वल टू 1 और एस टू हमारा ये लिखा ही है, hence proof। तो सोचो टेन वाला कितने आसान हो रहा है फॉर्मूले, समझ में आ रहा है, चलो तो पॉज करो इसको कॉपी करो। अब हम एट्थ आइडेंटिटी पे जंप करते हैं, तो अगेन एट्थ वाली आइडेंटिटी जो है, जैसे मैंने इससे पहले किया था, इससे पहले मैंने क्या किया था, जो कॉट वाला प्रूफ करने के लिए टेन की मदद ली थी, सिमिलरली मैं जो एट्थ आइडेंटिटी है कॉट वाली उसमें इसकी मदद ले रहा हूं, तो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूं। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं इधर क्या है, तो इसको मैं रब नहीं करता हूं, ऊपर लेकर रहने देते हैं, इस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं। तो आइडेंटिटी है एट्थ आइडेंटिटी इज, दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी, ठीक है, एक बार फिर हम सारे लिस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्म, चलो ऐसे लिख लो टेन टेन ए कॉट के लिए हमारी कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, ठीक है ना। शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सिग्मा cot a by 2 इज इक्वल टू पाई cot a by 2। देखो कहने का तो आठ आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं हम, बट मेमोराइज करने के लिए काफी कुछ सिमेट्री है। देखो मैं तो कुछ बताऊंगा थोड़ा बहुत, अभी एक साथ लिस्ट करूंगा, खैर अपने भी कुछ पैटर्न्स बना लेना, मतलब अपनी अपना वे ऑफ मेमोराइजिंग, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ खुद का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरों का तरीका तो ठीक है, अगर अच्छी बात है अगर वो एब्जॉर्व कर पा रहे हो तो ठीक है, बट खुद का कभी नहीं भूलोगे। मेमोराइज करने के लिए बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, कंसेप्ट का तुम मेरा सुनो बहुत अच्छे से, बट मेमोराइज करने का खुद का तरीका
सोचो, अगर मेरा वाला ठीक लगता है तो वो वैसे याद करो, कैसे भी करके अल्टीमेट इस क्या याद करना है, ठीक है, कुल मिला के कहानी है। चलो तो अब मैंने बोला ये प्रूफ करना है, चलो, और मैंने अब तुम लोग को हिंट भी दे दी कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं प्रूफ करने के लिए। तो स्टार्ट करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो और एक बार स्टार्ट करो खुद से, पॉज इट एंड स्टार्ट ऑन योर ओन। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब क्या आएगा हमारे दिमाग में, देखो दो चीजें हैं, या तो हम इधर से इधर जा सकते हैं या फिर इधर से इधर जा सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि अगर मैं इधर से इधर गया, एक मिनट के लिए इधर से इधर गया, तो इधर cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 है, मुझे 1 चाहिए, तो क्या करूं, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको मैंने अगर cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो इधर तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। इसके नीचे cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 आएगा, एक cot a by 2 ओरली बता रहा हूं, पहले मैं तो इधर से इधर जाने वाला हूं बट उल्टा जाके बता रहा हूं। इसके नीचे क्या आएगा, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, cot a by 2 से cot a by 2 कैंसिल, इसके नीचे क्या आया, 1 अपॉन cot b by 2, cot c by 2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, tan a by 2, tan b by 2। सिमिलरली इसमें आ जाएगा tan b by 2, tan c by 2, इसमें आ जाएगा tan c by 2, tan a by 2, दिस इज हां इसमें, हेंस प्रूफ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने बोला लेकिन अब मुझे उल्टा करना है, मुझे इस स्टेप से स्टेप जाना है, ये तो मैंने उल्टा बताया, कैसे बताया स्टार्ट, एक बार और सोचने का तरीका क्या बताया, इधर मुझे 1 चाहिए, इधर ये चीज लिखी है, तो इसी चीज से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे बोल लो, या फिर इस चीज को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गया 1 क्रिएट करने के लिए, ठीक है, दैट इज द वन वे। अब मैंने बोला ऊपर से इधर आना है मुझे, मेथड टू, अब मैंने बोला प्रॉपरली मुझे उल्टा नहीं जाना, मतलब जो प्रूफ करना था उधर से मैं इधर स्टेप नहीं ला रहा हूं, आई वॉन्ट टू प्रूव फ्रॉम हियर टू हियर, क्या करूं, तो क्या आएगा, अब ऐसे सोचो इधर 1 है, मुझे cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 है, तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 ऑन बोथ द साइड, बस खत्म, एक ही लाइन का प्रूफ हो गया। कैसे आया, व्हेन दिस विल गेट मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म, तो tan a by 2, cot a by 2 1, tan b by 2, cot b by 2 अगेन 1, तो इधर क्या बचेगा, cot c by 2 इसकी जगह, तो ये हमारा cot c by 2, ठीक है। फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो tan b by 2, cot b by 2 1, tan c by 2, cot c by 2 1, तो क्या बचेगा, cot a by 2, तो cot a by 2, एंड लास्टली व्हेन दिस विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस, tan c by 2 into cot c by 2 अगेन 1, tan a by 2 into cot a by 2 1, तो cot b by 2 बचेगा, व्हिच इज 1, और RHS में क्या बनेगा, लास्ट एक बार और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज आ जाएगी cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, हेंस प्रूफ। आई होप क्लियर हो गए होंगे ऑटो आइडेंटिटीज के प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है ना, स्पेशली लास्ट के जो दो टॉपिक पढ़े हमने, साइंस सीरीज, कोसाइन सीरीज और अर्थ वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर अब एक बार मैं सारी आइडेंटिटीज लिस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम एक काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे बेस्ड ऑन दिस, वैसे एक डीपीपी है इसकी बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन दिस, ठीक है ना, तो वो मैं या तो वो दे दूंगा तुम लोगों को, देखते हैं जैसा भी होगा, क्योंकि मेरा टारगेट था सेटर्ड इस हफ्ते कंप्लीट करना, अगर नहीं दिया डीपीपी अगर क्लास में कराऊंगा तो एक आध लेक्चर और खींच लेंगे, मंडे ट्यूसडे तक खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बट कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना, आई वॉन्ट योर रिव्यूज ऑल्सो, ठीक है ना, अगर किसी को लगता है कि दे वॉन्ट सम मोर प्रैक्टिस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, लेट मी नो, यू आर फ्री टू आस्क, आई विल इंक्रीज द लेक्चर्स, एक दो लेक्चर मैं बढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं है बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे कल ही खत्म करना है, ठीक है ना, अभी तुम्हारे एग्जाम में बहुत टाइम है, टाइम अभी इंपॉर्टेंट क्या रखता है, मैटर क्या करता है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सिलेबस कंप्लीट करना अभी के लिए एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है ना। वैसे भी तुम फेस टू फेस तो देख नहीं पा रहे हो, तो हम लोग का उतना वैसा इंटरेक्शन नहीं हो पाता क्लासरूम जैसा, ठीक है ना, बट क्या करें, वो तो मजबूरी है ना, अगर क्लास में स्कूल में तो आ नहीं सकते, तो जिसकी भी कोई डिमांड हो, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना, तो यू आर मोस्ट वेलकम, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, लेट मी नो, आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में आखिरी में दो तीन प्रैक्टिस लिए थे, दो तीन लेक्चर प्रैक्टिस के, ठीक है ना, तो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बच्चों ने उसके बाद, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर तुम लोगों को लगता है कि सर नहीं और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तो वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, मतलब टॉपिक्स तो खत्म हो जाएंगे हमारे, फिर मैं अलग अलग क्वेश्चंस ले लूंगा एक दो लेक्चर, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा रिव्यू क्या आता है, सो यू शुड टेल मी,
ठीक है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, नहीं तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा मंडे को ट्रिगो। इफ यू विल टेल देन मैं दो लेक्चर और बढ़ा दूंगा उसमें, ट्यूजडे वेनसडे और कर देंगे कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो फाइनली अब मैं क्या कर रहा था, लिस्ट कर रहा था, ठीक है। हाँ तो पहला आइडेंटिटी एक बार सारे, तो तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से लिस्ट करो, देखो क्या कर पाते हो कि नहीं। और अब देखना मत पीछे, देखो देखोगे नहीं तो फायदा क्या होगा, सुनना मत, अभी अभी मत पॉज करो, मैं बोल कंप्लीट कर लूं स्टेटमेंट उसके बाद करना। मान लो तुमने अभी आठों आइडेंटिटीज लिखी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सही लिखी तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर गलत लिखी ना, तो मैं बोल रहा हूं जो जिसे सही लिखी ना उससे भी अच्छा है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, द रीजन इज जब तुमने गलत लिखोगे ना, और फिर तब जब तुम क्रॉस वेरीफाई करोगे, अरे यार ये मैंने गलती कर दी, अच्छा यार ये होता है, वो चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी ना, तो फिर तुम हमेशा के लिए याद हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलोगे, क्यों, गलतियों से इंसान सीखता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तुम करो एक बार, डेफिनेटली गलती होगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोल रहा हूं जिसका सही आया उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि गलती आ जाएगा, क्योंकि गलती आएगी ना, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर मान लो तुम्हारा गलती नहीं आया, स्मूथ आया, तो तुम फ्री हो जाओगे, अरे ठीक है मेरे को तो आ गया सब। तो लेकिन अगर तुम्हारा एक भी गलती हो गया ना, तो क्या होगा, वो पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर तुम अगली बार कभी उसमें गलती नहीं करोगे। सो माय सजेशन इज अभी पॉज करो, विदाउट टर्निंग द पेजेस खुद से लिखो, जितना भी रिकॉल हो रहा है, आठ नहीं एक आ रही है एक लिख लो, दो आ रही है दो लिख लो, बट लिखो खुद से, ठीक है। चलो अब मैं लिस्ट कर रहा हूं, पहला था सिग्मा साइन टू ए, तो पूरा पूरा लिखते हैं, चलो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू कितना था, इन तीनों का प्रोडक्ट फोर टाइम्स, तो फोर टाइम्स साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी, ठीक है। फिर साइन के बाद क्या था हमारा कॉस, तो अब मैं शॉर्ट में लिख लेते, चलो पूरे ही लिख लेते हैं, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज इक्वल टू, अब क्या था मेरा इधर माइनस का था, इधर याद रखना माइनस का था, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। फिर इनके हाफ ऑफ एंगल्स के बात आते हैं, अब मैंने बोला साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू, फिर कॉस का हाफ तो इधर आएगा कॉस ए, मतलब इस वाले का हाफ कॉस वाली सी इसका हाफ, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू वन प्लस फोर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू। तुम लोगों को भी लिस्ट करना है, ठीक है ना, एक बार एक पेज पे, सो दैट एक जगह रखे हुए तो ज्यादा तुम कोरिलेट कर पाओगे मेमोराइज करने के लिए, ठीक है ना। फिफ्थ वन, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिग्मा टेन ए इज इक्वल टू पाई टेन ए, सिग्मा मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, दिस इज टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। फिर आता था हमारा कॉट वाला, तो सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल्स टू वन, सेकेंड लास्ट सिग्मा टेन ए बाय टू टेन बी बाय टू इक्वल्स टू वन, एंड लास्टली वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, लास्टली सिग्मा कॉट ए बाय टू इज इक्वल टू पाई कॉट ए बाय टू, दैट्स इट, दीज आर द एट आइडेंटिटी। अब देखो याद कैसे करोगे, देखो इन चारों में तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन होगा नहीं मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज हमें वो एस वन माइनस एस थ्री वाली चीज है ना, वो एकदम टेस्ट पे रहती है, तो उसके बदौलत हमें इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। मेमोराइज करने में इनको दिक्कत होती है, मेमोराइज करने से ही मेरा मतलब क्या है कि कंफ्यूजन होता है कि भाई प्लस था माइनस था फोर था, कब साइन में हो रहा है कब कॉस में हो रहा है। तो एक काम तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि तुम खुद का पैटर्न बनाओ, खुद का वे ऑफ मेमोराइजिंग बनाओ, मतलब कैसे याद करो। अब मैं बता रहा हूं मैं कैसे याद रखता हूं, तो देखो जो डबल एंगल्स है ना, डबल एंगल्स उसमें साइन का साइन रहता है, साइन का साइन कॉस का कॉस, देख रहे हो, इधर साइन के टर्म्स है इधर साइन के सारे टर्म्स है, पहला पैटर्न। कॉस में क्या है, कॉस है, मतलब वही मतलब मिलो ना, साइन का साइन रहता है कॉस का कॉस रहता है। अगर इनके हाफ होते एंगल्स, मतलब टू ए की जगह ए वगैरह है, तो क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो साइन के सारे टर्म कॉस में कन्वर्ट हो गए, कॉस के सारे टर्म साइन में कन्वर्ट हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, सिग्मा हमेशा पाई में कन्वर्ट होगा, सिग्मा सभी आइडेंटिटी देख लो चारों में, सिग्मा हमेशा पाई में कन्वर्ट होगा, मतलब सम विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी बात, अब देख लो फोर फोर आता है हमारा हर एक में, हर एक फॉर्मूले में फोर फोर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज और है
कि देखो ये दोनों साइन साइन वाले में ना, साइन साइन वाले में, अब देखो तुम मेमोराइज भी करोगे ना तो अगर तुमने प्रूफ किया है ना तो तुम्हें ज्यादा आसान होगा मेमोराइज करना, क्योंकि देखो जब साइन ये वाला फॉर्मूला हमने प्रूफ किए थे फर्स्ट एंड थर्ड वन, तो उसमें मैंने जैसे इन दोनों फॉर्मूले में वन और माइनस वन आया क्यों, बेसिकली वो उस फॉर्मूले के चलते cos c इसी, जैसे इस वाले में cos 2c को क्या लिखा था, 2 cos square c minus 1, इसमें cos c को क्या लिखा था, 1 minus 2 sin square c, तो उसके कारण cos cos वाले दोनों फॉर्मूले में तो ये 1 1 वाला फैक्टर आ रहा है, sin sin वाले में 1 वाला फैक्टर नहीं आ रहा, और लास्टली फिर ये दोनों नेगेटिव है 2a वाले में, इसमें नहीं है, ऐसे ठीक है ना। तो ये मैं अपने अपने लिए मतलब मैं ऐसे मेमोराइज रखता हूं, ठीक है ना। अब तुम अपना खुद से कर सकते हो, अगर अच्छा लगा तो ठीक है याद ऐसे रखो, नहीं तो अपना खुद से तरीका ढूंढो, ठीक है, बट एकदम टिप्स पे रखना है, क्लियर है। अच्छा अब ये आते हैं, मैंने बोला ये तो हर कोई को याद रहता है, इसको कैसे याद रखते हैं हम, S1 is equal to S3 के नाम से, और इसको याद रखते हैं S2 is equal to 1, बस ये कम यूज होता है, 6th और 8th लेस यूज्ड, 10 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 वाले को कैसे याद रखूंगा, S1 is equal to S3 के नाम से, और इसको 10 by 2, 10 by 2 को S2 is equal to 1, तो ये हो गया आज का अपना पूरा खत्म कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन अपन अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आई वॉन्ट कि तुम पहले इस पे इससे कंफर्टेबल हो जाओ, एक बार इससे कंफर्टेबल हो गए तो फिर मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो मेरा अभी तुम लोगों का टारगेट क्या होगा, एक तो क्या है कि तुम अच्छे से सुनो इस लेक्चर को, पूरा अच्छे से कॉपी करो, और फिर एक बार कंप्लीट हो जाए, तुमने जैसे कर लिया पूरा लेक्चर, ऑटो आइडेंटिटीज एक पेज पे लिखो और ऑटो के प्रूफ खुद से करो, एक बार खुद से कर लोगे ना तो फिर कभी नहीं भूलोगे, डोंट सी इन द नोट्स, ठीक है ना। कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो, 10 मिनट लग रहा है 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है, यू आर इन 11th क्लास और स्टार्टिंग है अभी हमारी, अभी तो हमें टाइम ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो तुम 12th में होते तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं देता कि भाई तुम करो इसको प्रूफ करो करो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बट अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है, ठीक है ना, अभी स्टार्ट है, ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अभी हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है बच्चों। दैट्स इट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।